जली ना तेरी भी जली ना जली ना तेरी भी जली ना तुम लोग को मालूम है अगर चोर को कितने बार भी चोर बोलते ना तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो चोर है, बट अगर उसको प्रूव कर दे कि वो चोर है तो उसकी जल जाती है। वैसे ही हमारे भैया आयरॉनिक की जल गए जब हमने उनके ऊपर एक वीडियो बनाया और उनका रिस्पांस आया। तो वीडियो चालू होने से पहले तुम लोग को बता दूं ये कोई रोस्ट वीडियो नहीं, ये खाली आयरॉनिक को रिप्लाई है कि उसके पॉइंट्स को गलत प्रूफ करने की जो जो इसने मेरे को बताया। तो यार शुरू करते हैं प्रूफ के साथ इन लोग को गलत प्रूफ करना। तो मैं एकदम मस्त चिल कर रहा था, गेम्स खेल रहा था, तभी मेरी वीडियो पे कमेंट आया कि आयरॉनिक ने मेरी वीडियो देखी और उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक मारने वाला। तो ये देखने के लिए मैं उसके चैनल पे गया, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, खाली एक बंदे ने मेरी वीडियो का लिंक डाला था और आयरॉनिक को बोला था कि मैंने इस पर एक्सपोज वीडियो बनाया, तो उसने उस पर रिप्लाई दिया। तो जब ये कमेंट का स्क्रीनशॉट मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला तो भैया का सामने से रिस्पांस आया, नहीं ब्रो इट्स ओके, बट अगर तुमने रोस्ट करना है तो ठीक से करो, मेरी वीडियो यूजुअल की पिक से पहले भी 20K 30K में जा रही थी, बट कोई नहीं, यू आर डूइंग गुड। यार ऐसे लोग फेमस कैसे हो जाते हैं, हाँ दूसरों का नाम टाइटल में डाल के। सबसे पहले मेरे को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू, पर जो तुम्हारी नॉलेज है ना यूट्यूब के बारे में वो तुम्हारे कंटेंट के तरह ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। थंबनेल से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है वीडियो की व्यूज़ पे, सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है टाइटल पे, डिस्क्रिप्शन पे और टैग्स में, और उन तीनों में हर एक GTA वीडियो में उसका नाम है। तो तुम कैसे बोल सकते हो कि थंबनेल नहीं डालने के बाद भी तुम्हें व्यूज़ आ रहे थे। एक महीने पहले इसकी सबसे पहली वीडियो थी GTA 5 के ऊपर, सेविंग माइकल फ्रॉम गैंगस्टर GTA 5 गेम प्ले, ठीक है इसने थंबनेल में इसका नाम नहीं डाला ना टाइटल में डाला। फिर नीचे आते हैं सेविंग माइकल टेक्नो गेमर्स GTA 5 गेम प्ले इन हिंदी, इसमें टेक्नो गेमर नहीं है, उसका गेम प्ले नहीं है तो भी नाम है, वो भी ठीक है। फिर आते हैं इसके टैग्स पे, इसके टैग्स में टेक्नो गेमर का नाम है। फिर उस वीडियो के बाद इसने दूसरी वीडियो डाली स्टीलिंग बेला सुपर कार्स एंड माय न्यू लैम्बोर्गिनी, इसमें थंबनेल में उसका नाम नहीं है ना कि टाइटल में, वो ठीक है। फिर डिस्क्रिप्शन में उसका नाम है, दिस गेम इज आल्सो प्लेड बाय टेक्नो गेमर, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा, नाम डाला है, सब सही। पर जब इसके तुम टैग्स में जाते हो तो ऑलमोस्ट सारे में खाली उसका ही नाम है और बीस बर्शुब और मिथपैट का नाम है जिसका इसमें कोई रेलेवेंस है ही नहीं। तो जब ये बात मैंने इसको अपने इंस्टाग्राम में समझाने की कोशिश की तो इसने लिखा ब्रो एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल स्टार्ट यूट्यूब टू गेट सक्सेस एंड लोग चाहे आपकी वीडियो में कैसे भी आए दे विल ओनली सब यू इफ दे लाइक योर कंटेंट एंड ऑल्सो दिस इज वाई इट इज पॉलिसी टू यूज रेलिवेंट टैग्स ऑन योर वीडियोज इवन यू कैन यूज देम। हाँ ये बात बराबर है कि अगर व्यूवर्स को कंटेंट पसंद आता है तो उन लोग सब्सक्राइब करते हैं, पर अगर तुम्हारे हिसाब से कंटेंट का मतलब दूसरे का एग्जैक्ट वीडियो आइडिया उठा के अपना वॉइस ओवर करके थोड़ा सा चेंजेस करना है तो यार टिकटॉक को इतने हेट करने की जरूरत ही नहीं, यूट्यूब पे पहले से इतना कचरा कि अपने को टिकटॉक की तरफ तो बढ़ना ही नहीं चाहिए। मैंने पहले भी बोला था और अभी भी बोलूँगा तेरी यूट्यूब की नॉलेज बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तेरा इतना बड़ा चैनल है और तू यूट्यूब पे रिसर्च नहीं कर पाया रेलेवेंट टैग्स का मतलब क्या होता है। मैं तुझे बताता हूँ रेलेवेंट टैग्स का मतलब क्या होता है। तो ये जो तुम लोग अपने सामने देख रहे हो ये यूट्यूब की पॉलिसी है रेलेवेंट टैग्स को लेके, यूजिंग टैग्स टू ट्रिक यूजर्स इनटू बिलीविंग द कंटेंट इज समथिंग इट इज़ नॉट, और इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है सेलिब्रिटीज नेम, टेक्नो गेमर एक टाइप का सेलिब्रिटी है यूट्यूब का क्योंकि उसके 2 मिलियन के अक्रॉस सब्सक्राइबर्स हैं, कंपेटिटर्स नेम वो भी GTA 5 की वीडियोज़ बनाता है ये भी GTA 5 की वीडियोज़ बनाता है तो ये इसका कंपेटिटर ही हुआ तो उसने उसका भी नाम डाला और इससे क्या हो सकता है इट कुड रिजल्ट इन योर वीडियो बीइंग टेक डाउन। तो भैया हमें तो सिखाओ मत यूट्यूब के बारे में, तुमसे ज़्यादा नॉलेज लेके बैठे हैं। फिर ये सब होने के बाद मैंने ये बंदे को रिप्लाई दिया इफ़ यू थिंक माई वीडियो इज रॉन्ग और इज नॉट वॉट यू थिंक देन टेल यूर व्यूवर्स टू वॉच दिस एंड लेट देम डिसाइड हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, इफ दे थिंक दिस वीडियो इज इनकरेक्ट आई विल टेक डाउन माई वीडियोज। और ये बंदा ने मैसेज खाली सीन करके छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि इसको मालूम है कि अगर ये वीडियो इसने अपने व्यूवर्स को दिखाई तो इसके व्यूवर्स इसके एकदम ही खिलाफ हो जाएंगे क्योंकि मैंने जो बोला है वो वीडियो में एकदम सच फैक्ट्स और प्रूफ के साथ बोला है। ये सब तो ठीक है पर इसके व्यूवर्स जो है वो इससे भी ज़्यादा स्कैम है, इसमें उनकी गलती भी नहीं है, अगर ऐसे क्रिएटर्स को देखेंगे तो ऐसा ही होना था। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो क्यों बोलता है, तू खुद ही कॉपी लग रहा है। अगर वेलकम बैक टू अनदर वीडियो बोलना कॉपी है तो दुनिया का हर एक वर्ड कॉपी होना चाहिए क्योंकि हर एक वर्ड कोई ना कोई यूट्यूबर ने तो बोला ही होगा, तो इस बात का तो कोई सेंस नहीं बनता है। और दूसरी बात इसने बोली कि मेरे चैनल का नाम पांडा है, यार तुम लोग का दिमाग के साथ आँखें भी खराब हो गई क्या, मेरे चैनल का नाम पांडा नहीं है, मिस्टर पांडा गेमिंग है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये बात भी एकदम ही गलत है। ये व्यूअर भी ठीक था, इसको थोड़ी नॉलेज नहीं थी ये चीज़ के बारे में, पर अभी हम आपको मिलाते हैं यूट्यूब के शेक्सपियर से। इसका कमेंट समझने के लिए मुझे डिक्शनरी निकालनी पड़ी जो मैंने सालों में कभी नहीं निकाली है। इसने लिखा है पूरी वीडियो देख ली साले, खुद टैग लगाया है सबको, खुद थंबनेल में व्यूज़ के लिए पिक्स डाला है। यार ऐसे लोगों को क्या ही बोलूँ, पूरी वीडियो देखते नहीं है फिर आ जाते नीचे कमेंट करने के लिए, मैंने पिछली वीडियो में क्या बोला था तुम लोग खुद ही देख लो। बोलोगे कि तूने तो भाई सबका नाम टाइटल में डाला टैग्स में भी डाला, ऐसा ऐसा तू भी सेम ही कर रहा है तो फिर फर्क ही क्या है।
फर्क ये रहा कि मेरे को इन लोग को बताना है कि इन लोग क्या गलत कर रहे हैं और क्या इन लोग बार बार कॉपी कर रहे हैं, तो उस वजह से मेरे को डालना पड़ा ताकि इन लोग तक बात पहुंचे, वरना मेरी वीडियो कभी पहुंचने नहीं वाली उन लोग के तक। फिर भैया ने अपनी गौठन लैंग्वेज में हमें धमकी दी है, सामने आ तू जमा करके मारूंगा, गेम में ऐसा भिसड़ वाला थुक बनैल बनाना भूल जाएगा, चमांदू कई का अपने गेंद में अपना लैंड हिला के डाल और उसके बाद व्यूज ला, देख व्यूज आएंगे। ये एक थ्रेट मैसेज था कि ये मैसेज से प्रूव करना चाहता था कि इसको हिंदी या इंग्लिश दोनों नहीं आती और ये चाहता है कि मैं इसको सिखा दूँ, मेरे को नहीं मालूम। ये सब कुछ होने के बाद मैंने टेक्नो के मैनेजर को मैसेज किया और उसका रिप्लाई ये था, तो मैंने उसको मैसेज डाला कि मैंने इस रोस्ट वीडियो बनाया कि लोग टेक्नो का नाम कैसे यूज़ कर रहे, तो ये बंदे का ये रिप्लाई था, डोंट टीच मी दिस इज डीएम एडवर्टाइजिंग एंड बाय द वे इफ उज्ज्वल हैज नो प्रॉब्लम्स देन व्हाई यू गाइस आर डूइंग दिस। पहली बात तो टेक्नो को मालूम ही नहीं कि ये सब कुछ स्कैम चालू है, मैंने उसको मैसेज करने की ट्राई की पर वो मैसेज उधर तक पहुँचता ही नहीं, तो मैंने इसको मैसेज किया और इसको वो बंदे को बताना भी नहीं है कि क्या चालू है और खुद का ही डिसीजन लेना है। नाइस, ये मेरे को डीएम एडवर्टाइजिंग के बारे में समझा रहा था और थोड़े दिनों बाद ये मेरे को खुद अलग अलग डिस्कॉर्ड के इनवाइट लिंक्स भेज रहा है। तो अभी कौन कर रहा है डीएम एडवर्टाइजिंग, ये सब के लिए मैं खाली तेको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, कीप काम एंड बी डैंग। बाय द वे स्केच के लिए मैं तन्मय डाकवे को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके उसे फॉलो करो। तो यार एंड में बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि यार दूसरों का कंटेंट और दूसरों का नाम यूज़ करना बंद कर दो और खुद का कंटेंट बनना चालू करो, और अगर वो भी नहीं हो सकता है तुमसे तो यार रहने दो, क्योंकि अगर तुम्हारे यूट्यूब अकाउंट पे 21K सब्सक्राइबर्स हैं तो तुम्हारे फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे इतने ज़्यादा क्यों हैं, और मेरे 1K सब्सक्राइबर्स हैं और मेरे फॉलोअर्स इतने ज़्यादा क्यों हैं। इससे पता चलता है कि तुम्हारे लोगों को तुमसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, ना तुम्हारे कंटेंट से फ़र्क पड़ता है, बस उन लोगों को फ़र्क पड़ता है कि जिधर टेक्नो का नाम है उधर हम घुस जाएंगे, क्योंकि इन लोग में दिमाग नहीं, दिमाग होता तो मेरे कमेंट्स में आके ऐसी चीज़ें तो नहीं लिखते।